नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। 15 अगस्त 2020, मोदी जी बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हां, लॉकडाउन और इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में 5 बड़ी खबरें दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा। अभी बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। आधार कार्ड की दर्ज पर होगा वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। जानिए क्या क्या फ़ायदा होगा। 15 अगस्त का दिन नज़दीक है और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस बार उत्साह कुछ फीका रहेगा, लेकिन इस बात की चर्चा अभी से होने लगी है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे और पीएम मोदी इस बार क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये स्वास्थ्य सेवा के लिहाज से बड़ा कदम होगा और इस कार्ड की माध्यम से लोग देश के किसी भी हिस्से में इलाज करवा पाएंगे। एक तरह से वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना देश की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद है। डिजिटल रूप में देश की हर नागरिक को हेल्थ कार्ड मुहैया करवाया जाएगा जिसमें उसकी सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होगी और ये जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहेगी। इस कार्ड में ये भी दर्ज होगा कि व्यक्ति ने कब क्या जांच करवाई और कहां किस बीमारी का इलाज करवाया है। इसके लिए एक सर्वर बनाया जाएगा और डॉक्टर क्लिनिक और अस्पतालों को इससे जोड़ा जाएगा। हालांकि ये योजना पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, यानी कि ये व्यक्ति और अस्पतालों पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अब नहीं चलेगी पैसेंजर ट्रेन, जारी रहेगा स्पेशल सर्वे। रेलवे का बड़ा फैसला। जी हां, भारतीय रेलवे ने कहा है कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेगी। वहीं पर 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेगी। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि जैसा पहले ही निर्णय लिया गया और सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेगी। और रेलवे ने यह भी कहा है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।